के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हम अपने चैनल रूहानी वसाइफ में अपने व्यूअर्स को खुश आमदीद कहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले और लाइक करने वाले व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और इन तमाम तर अफराद से गुजारिश है कि हमारी वीडियोज़ को देखें और लाइक हैं और आपके लिए आजमूदा और मज़ेर वजीफे ला रहे हैं और लाते रहेंगे। आज का हमारा वजीफ़ा जुमा के रोज़ का है। ये वजीफ़ा असर से मगरिब के दौरान करना है और जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होगी। इस वजीफ़े को पढ़ने से आपकी मुश्किलात, परेशानियां और मसाइल हल होंगे और रिज़्क़ के गैब से ख़जाने मिलेंगे। ऐसे समझिए कि गैबी इमदाद आपको मिलेगी। ये वजीफ़ा बहुत ही आसान और सादा है। आपने नमाज असर के बाद 313 मरतबा अर्रहमान और रहीम पढ़ना है। जी हाँ, आपने जुमा के रोज़ नमाज असर के बाद यानी असर की नमाज अदा करने के बाद 313 मरतबा अर्रहमान और रहीम पढ़ना है। ये वर्द आपकी दुनिया बदल देगा। असर से मगरिब की अजान होते तक अगर ये वर्द आप जाए नमाज पर बैठ कर जारी रखेंगे तो यूँ समझिए कि आपने रब की रहमत हासिल कर ली। अल्लाह ताला तमाम तर मुश्किलात आसान करने वाला है और उसके नामों का जिक्र उसकी रहमत को जोश में लाता है और वो अपनी रहमत ज़रूर नाजिल फरमाता है। इसके अलावा रिज़्क़ की फरमाने के लिए यह अमल सबसे ज़्यादा मुजर्रब है। अल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बेशक अल्लाह ताला बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। रिज़्क़ अता करना सिर्फ मेरे रब के हाथ में है, वरना इंसान तो इंसान को शायद सांस भी ना लेने देता। कुछ देना तो बहुत दूर की बात है। मदद हमेशा अपने रब से मांगिए, उसे पुकारिए, वो आपकी दुआएं ज़रूर सुनेगा। इस वर्द को ज़रूर कीजिए, आपको ज़रूर फैज़ हासिल होगा। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए अल्लाह ताला की इबादत करना और उससे मदद मांगना बहुत ज़रूरी है। ये वर्द आपकी रूह को पाकीज़ा बनाता है और दुनिया और आखरत दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। कमेंट में अपनी आरा से आगाह कीजिए और जुमा के हवाले से मज़ीद वज़ाइफ़ जानने के लिए हमसे राबता कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फी अमानत।